हेलो एवरीवन, कैसे हो? हाय हो, किसा बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं डार्लिंग प्रवास की सलार एंड शाहरुख खान की जवान की। गाइस एडवांस बुकिंग है, वो कितनी हो चुकी है ओवरसीज में, यानी कि सिर्फ यूएसए के अंदर ही जानेंगे, क्योंकि बाकी तो सलार की तो वैसे भी ओपन नहीं हुई है, बट गाइस जवान की तो हुई है, बट गाइस वो ऑफिशियली से नंबर्स हैं वो नहीं है, तो फिलहाल उनको हम साइड में ही रखेंगे। व्हाट गाइस, स्टार्टिंग से बता दूं कि भाई सलार ने इस तरह नंबर से मतलब लेके आई है कल से लेके अभी तक, आपको ट्रस्ट नहीं होगा यार, ये नहीं हो सकता यार, शायद कुछ गलत होगा। व्हाट गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका मन करेगा कि सलाम रॉकी भाई, व्हाट गाइस ये रॉकी भाई नहीं है, ये डार्लिंग प्रवास है। बट हाँ, परेशान दिल जरूर हैं भाई साहब, एंड परेशान दिल मैंने आपको परसों बताया था, कल भी बताया था कि यार जो KGF के टाइम में जो थोड़ी कसर रह गई थी भाई साहब, इस बार वो USA के अंदर नहीं छोड़ने वाले हैं। एंड अनदर मूवी भाई जो भी होगी इंडिया की, भाई साहब उनके पसीने ये हमें छुड़ाती हुई नजर आ गाइस वो आ सकती है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे सलार की ही जानते हैं एज अ कंपनी, जस्टे की देखेंगे अभी तक कितने एडवांस बुकिंग हमारे, कितने टिकट्स हैं वो बिके हैं। तो भाई सलार अभी तक की बात करूँ तो गाइस 1,85,000 $ अभी तक क्रशन है गाइस एडवांस में कर चुकी है, एंड इसके लोकेशन 154 लोकेशन में 410 शोज हैं इसके पास। देखो भाई केवल 154 लोकेशन में 410 शोज में गाइज 1,85,000 $, यानी कि यहाँ पे इसको लोकेशन में यहाँ लगी है, जहाँ पे इसके शोज लगे हैं वो ज़्यादातर टिकट्स हैं गाइज वो बिक चुकी हैं। और मैं कल की बात करूँ गाइज तो कल थी 130 के $, 1,30,000 $। देखो अब कल से लेके अभी तक कितना जंप है, लगभग 50,000 $ में क्रश किया है। जो गाइज अभी जो मेरे पास अपडेट्स आई थी कि अभी वो 2,00,000 पार जा चुकी है, बट गाइस जो मेरे पास डिटेल्स में है वो सिर्फ और सिर्फ 1,85,000 के आसपास ही, $1,85 जो हम नीचे बताऊंगा सभी को। फिलहाल गाइस जस्ट अभी जो भाई यहाँ पे जो प्रवास के फैंस हैं उन्होंने भाई पोस्टर शेयर किया था कि भाई 200 पार जा चुकी है, बाकी अनदर डिटेल्स उन्होंने शेयर है वो नहीं किया। फिलहाल मेरे पास तो यही अपडेट थी 185 के $, ठीक है। कल से लेके अभी तक यहाँ पे देखूंगा तो 50,000 $ की एडवांस बुकिंग है वो हुई है, और अभी भी 35 दिन बचे हैं। 35 दिन पहले भाई साहब लगभग 2,00,000 $ अपने आप में भाई साहब ये बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पे आदिपुरुष ले लो, अब यहाँ पे साहू ले लो, अब यहाँ पे राधे श्याम ले लो, भाई साहब उनकी एडवांस हो गई इतनी तो भाई दो चार पाँच छः दिन पहले होती थी, एंड ये है भाई क्रेज। 7-8 दिन ले लो यार, ज़्यादा मैंने देखा नहीं है वो। भाई सलार को देखो भाई, सलार तो मैंने भाई साहब को काफ़ी दिन पहले बता दिया जब इसका टीज़र भी नहीं आया था कि ये नहीं रुकने वाली, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस में धमाका करेगी, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा टिकट्स की बात करूँ गाइस तो सिनेमार्क डेलिस में XT एंड 4DX में लगभग $40,000 के साथ 1,294 टिकट्स हैं वो गाइस बिके हैं। एंड सिनेमार्क बेस्ट की बात करूँ तो $20,000 के साथ 680 टिकट्स बिके हैं। एंड सिनेमार्क लेजेसी XT की बात करूँ गाइस तो लगभग जहाँ पे $13,000 $ के साथ लगभग 437 टिकट्स हैं गाइस वो अभी तक बिक चुके हैं। वर्जन में यार सभी को बताऊँ तो XT में लगभग गाइस यहाँ पे 1,05,000 $ XT में, और स्टैंडर्ड में लगभग 51,000 $, एंड IMAX में 26,000 $। और वही गाइस XT में लगभग 3,500 टिकट्स बिके हैं, और स्टैंडर्ड में लगभग गाइस 2,000 टिकट्स, एंड IMAX में लगभग 833 टिकट्स हैं गाइस वो अभी तक है वो बिक चुके हैं। और भाई सबसे ज़्यादा गाइस तेलुगु की ही एडवांस होगी, बाकी अनदर लैंग्वेज में वहाँ पे ओपन भी नहीं हुई है, वो तेलुगु में ही 185 के $ एडवांस बुकिंग गाइस वो हो चुकी है। एंड 407 शोज में लगभग 10% ओकुवेंसी अबाउट निकल के सामने आ रही है। और भाई मैं अगर इसको इंडियन रुपीस में देखूं तो गाइस ये हो चुकी है 1.52 करोड़ की। अगर जो प्रवास के फैंस हैं अगर उनकी माने तो वो बोल रहे हैं कि $2,00,000 हो चुकी है, तो इसका मतलब कि 1.65 करोड़ की इंडियन रुपीस में एडवांस बुकिंग है अभी तक भाई साहब सलार की हो चुकी है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग, काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ आती हैं भाई साहब इंडिया में, वो तो एक सिंगल लैंग्वेज में इतनी एडवांस बुकिंग नहीं निकाल पाती हैं, और कई कई मूवीज़ तो भाई अपने फर्स्ट डे के लिए सिर्फ इंडिया में इस तरह एडवांस बुकिंग नहीं निकाल पाती हैं। जो कि गाइस सलार ओनली टीज़र आया है, कोई सॉन्ग नहीं आया अभी तक, कोई ट्रेलर भी नहीं आया है,
और यहाँ तक ये सिर्फ ओवरसीज की कंट्री में इस तरह एडवांस गाइस वो निकाल रही है। बाकी आप क्रेज है वो समझ ही सकते हो। बात करते हैं गाइस जवान की। देखो जवान से पहले मैं आप सबको कल का बता दूं कि कल यहाँ पे जहाँ पे गाइस लगभग 4500 टिकट्स बिके थे यहाँ पे सलार के, जो कि आज कितने हुए टोटल लगभग 6400 टिकट्स, यानी कल से लेके अभी तक लगभग 2000 से थोड़े कम है, लेकिन 2000 के आसपास टिकट्स बिके हैं पिछले 24 घंटे में सलार के। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस जवान की। जवान की लगभग 1,61,000 यूएस डॉलर क्रश हो चुका है, 385 लोकेशन में, 1,696 शोज में, 10,430 टिकट सोल्ड आउट हो चुके, 15 डेज टू गो, 15 दिन अभी बचे हैं। लैंग्वेज वाइज आप सभी को बताऊं तो हिंदी में लगभग 1,50,000 एंड लगभग यहां पे 9,650 टिकट सोल्ड आउट, एंड तेलुगु में 5,000 यूएस डॉलर और 418 टिकट सोल्ड आउट, एंड तमिल में 3,000 यूएस डॉलर, लगभग 212 टिकट्स हैं सोल्ड आउट हो चुके हैं जवान के। और वही कल इसके टिकट्स बिके थे इसी टाइम गाइस लगभग मैं बताऊं आपको तो 9,692, जो कि आज 10:30 हैं और कल लगभग 9:30 थे, यानी कल से लेके अभी तक लगभग 1,000 के आसपास टिकट्स बिके हैं जवान के, जो कल से लेके अभी तक सलार के 2,000 के आसपास टिकट्स बिके हैं। कल के मुकाबले आप पिछले 24 घंटे में सलार के ज़्यादा टिकट्स बिके एज अ कंपेयर जवान यूएसए के अंदर, जो कि नंबर्स की बात करूँ तो भाई काफ़ी मतलब ज़्यादा गैप हो चुका है दोनों के बीच में। और मैं इंडियन रुपीज़ में देखूँ अभी तक 1.32 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है जवान की, 1.32 करोड़ की, एंड 1.52 करोड़ की हो चुकी है यहाँ पे सलार की, और फ्रेंड्स की माने तो 1.65 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। तो गाइस ये है भाई सलार, एंड मुझे अभी वाइस यूएसए के अंदर सलार का पलड़ा है गाइस वो भारी दिख रहा है एज अ कंपेयर जवान। एंड देखो भाई जवान का प्रीव्यू यानी कि फर्स्ट ट्रेलर भी आ चुका है, एंड दो सॉन्ग्स हैं गाइस वो भी आ चुके हैं, जो कि सलार का अभी तक सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर टीजर आया है, ना ही कोई अभी उसका कोई ट्रेलर आया और ना ही कोई सॉन्ग से कोई अनाउंसमेंट हुई है। तो उसके बावजूद भी गाइस यहाँ तक पहुँचना, जो कि जवान मतलब उसकी एडवांस बुकिंग पहले ओपन हुई थी, जो कि सलार की अभी केवल केवल 2 दिन ही हुए हैं और आज तीसरा दिन है। ये है भाई साहब यहाँ पे सलार किस तरह उसने रफ्तार है भाई साहब वो पकड़ी है। तो फाइनली गाइस ये रहे टोटल नंबर्स, मैंने आप सभी को बता दिए। एंड भाई साहब क्या लगता है आप सभी को कि जब फर्स्ट डे दोनों को आएगा, क्योंकि अभी सलार का लगभग 1 महीने से ज़्यादा टाइम है, जो कि यहाँ पे जवान की बात करूँ तो उसका लगभग 15 दिन बचे हैं, तो फर्स्ट डे के लिए सिर्फ यूएसए के अंदर कौन सी मूवी है सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग करेगी, क्या लगता है आप सभी को बताओ हमें कमेंट सेक्शन में। तो बाकी गाइस सभी के लिए तो इतना ही है, एंड अब कल मिलेंगे टुमारो सुबह मॉर्निंग 10, 11, 12 बजे कभी भी एपिसोड आ सकता है, एंड आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आपकी इन दोनों मूवीज में कौन सी फेवरेट है मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में, एंड बाकी गाइस मिलते हैं टुमारो। बाकी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब नहीं क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। तो बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए